आज जो ये सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, ये चेयरमैन देवकी नंदन राठौड़, उनको जगाने के लिए, उनको सद्बुद्धि देने के लिए एक डोम बनाया था स्थाई सब्जी विक्रेताओं के लिए, इसमें नगर पालिका का गेट हटवाया जाए। यहाँ स्थायी सब्जी मंडी को लेकर बीते 4 साल से आश्वासनों के भरोसे चल रहे सब्जी विक्रेता मंगलवार को समस्या को लेकर एकजुट नजर आए। नगर पालिका द्वारा पूर्व की सब्जी मंडी के स्थान पर दुकानें बनाने और नव निर्मित ड्रोन के सामने नगर पालिका कार्यालय का द्वार बनाने से नाराज सब्जी मंडी विक्रेताओं ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कस्बे में मंगलवार को कहीं भी सब्जी नहीं बिकी, ऐसे में लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर सब्जी विक्रेता यहाँ सब्जी मंडी में धरना देकर बैठे रहे। दोपहर बाद विधायक हीरालाल नागर भी पहुंचे, लेकिन समझाए इससे भी बात नहीं बनी। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं ने पालिका अध्यक्ष समेत पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व हड़ताल के चलते यहाँ सुबह से ही सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकानें नहीं लगाई। लोग जानकारी के अभाव में यहाँ आते रहे, लेकिन सब्जी मंडी नहीं लगने से लोगों को भी निराश लौटना पड़ा। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। दोपहर को विधायक हीरालाल नागर भी सब्जी मंडी पहुंचे और यहां धरने पर बैठे सब्जी विक्रेताओं से हड़ताल वापस लेने को लेकर समझाइश की, लेकिन सब्जी विक्रेता यहां पूर्व की सब्जी मंडी के स्थान पर बनाई दुकानों को थड़ा में तब्दील करने व ड्रोम के नीचे बनाए गए पालिका कार्यालय के दरवाजों को बंद करने की मांग पर अड़े रहे। ऐसे में समस्या का कोई हल नहीं निकला। हड़ताल का कस्बे में पहले दिन ही व्यापक असर नजर आया। कस्बे में कहीं भी सब्जियां नहीं बिकी। तहसील रोड एवं कोलियों के बड़े स्थित दोनों सब्जी मंडियों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। गली नुकड़ों में अस्थायी जगहों पर लगने वाली दुकानों पर भी कोई सब्जी बेचता नहीं दिखा। ऐसे में लोग ताजा सब्जियों को तरस गए। घरों में दाल बनाकर लोगों को काम चलाना पड़ा। बुधवार को भी सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल जारी रही और उन्होंने पालिका प्रशासन व पालिका अध्यक्ष की सद्बुद्धि के लिए सब्जी मंडी परिसर में ही सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी वह हड़ताल जारी रखेंगे। नगर पालिका सांगोद के अंदर हमारे अध्यक्ष जो नगर पालिका में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो सब्जी विक्रेता है इनके साथ जो अन्याय किया है, अन्याय के साथ साथ इनकी जो सब्जी मंडी यहाँ बनी हुई थी उसको तोड़ा है और तोड़कर इनके लिए जो यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं की जगह थी उसको नेस्तो नाबूद कर दिया और यहाँ पे दुकानें बना दी गई। दुकानें बनाने से हम सभी माली समाज के और दूसरे अन्य जो लोग यहाँ पे सब्जी बेचते हैं उनको अपनी रोजी रोटी के टोटे पड़ चुके हैं। हम आज जो ये सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, ये चेयरमैन देवकी नंदन राठौड़, उनको जगाने के लिए, उनको सद्बुद्धि देने के लिए भगवान हम भगवान से ये विनती करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता सब्जी बेचते हैं उनके लिए उत्तम और श्रेष्ठ व्यवस्था करें। मंडी की जगह नई सब्जी मंडी बनाई, सब्जी मंडी की जगह दुकानें बना दी, इससे पर्याप्त मात्रा में बैठने की व्यवस्था नहीं है और जो डूम बनाया है डूम में भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी भी नगर पालिका ला रहे हैं। मतलब वापिस उसी जगह मंडी चाहिए जहाँ पुरानी सब्जी मंडी थी, वहीं सब्जी मंडी का रूप दिया जाए और ये दुकानें भी पर्दे हटाई और सब्जी मंडी बनाई जाए। एक डोम बनाया था स्थाई सब्जी विक्रेताओं के लिए, इसमें नगर पालिका का गेट हटवाया जाए और नगर पालिका का गेट पीछे लगवाया जाए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी वहाँ तक हड़ताल जारी रहेगी।